नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल रीडिंग करेंगे, जो हेल्थ वेल्थ जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी सबके लिए अवेलेबल है। और इसमें हम सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, लास्ट में कार्ड गाइडेंस का भी निकालेंगे। ये जनरल है तो आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी करती, जिस पर जितनी मैच करती है उतना आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये 6 जुलाई से 12 जुलाई के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो क्या रहने वाली है और अगले कार्ड क्या बोलते हैं। टेम्परेंस, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप गुस्से में रह सकते हैं, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। गुस्से में मत रहिए, एंगर में मत रहिए। अगर आप गुस्से में रहेंगे, एंगर में रहेंगे, फैमिली परिवार को नुकसान हो सकता है। आपको अपना टेम्पर छोड़ना है, गुस्सा छोड़ना है, जो आपका लड़ने का स्वभाव है, जो बार बार या तो आप मौन हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं, उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। प्यार से, प्रेम से परिवार के साथ, फैमिली के साथ पेश आने की ज़रूरत है। तो जो आपका ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही है कि आपको अपने एंगर पर, आपके टेम्पर पर, आपके जो ओवर थिंकिंग है उन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप उसमें बैलेंस लाएंगे तो आपकी का जो ये सप्ताह है काफ़ी स्टेबल जा सकता है। काफ़ी खुशियां आपको, प्यार मोहब्बत मिल सकती है। काफ़ी फ्रूट के लिए सप्ताह आपका होने वाला है। यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है और लाइफ में बैलेंस लाना है। तो देखते हैं हेल्थ वेल्थ स्टूडेंट्स जॉब बिजनेस और सिंगल्स रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। तो हेल्थ वाइज आप फिट एंड फाइन रहने वाले हैं। जो आपका सप्ताह है वो काफ़ी हेल्दी रहेंगे। आप अपना जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। आप एक फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर आप के पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, धन दौलत होगा, आप अपने में मगन रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो नेचुरल सी जाहिर सी बात है कि आपका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और हेल्थ वाइज आपको कोई अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही थी तो शायद, या हो सकता है कि आपके पास्ट में आपकी बैक में पेन रहा है, जो रीढ़ की हड्डी है उससे रिलेटेड कोई परेशानी, कोई दिक्कत रही है, या जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, इस तरह की मतलब आपको दिक्कत शायद रही है। तो उन चीज़ों के प्रति भी आपको काफ़ी गुड न्यूज़ इन दिनों मिल सकती है। हेल्थ वाइज आपको काफ़ी प्रोग्रेस, काफ़ी सक्सेस हासिल करते दिखाई दे रही है। जिन बीमारियों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे तो उनसे आपको निजात मिलने वाली है। उन फ्रीडम, आज़ादी के साथ आप हेल्थ वाइज फाइन एंड फिट रह सकते हैं। आपको खुशी, एक नई खुशी मिलेगी जिस चीज़ से आप लंबे समय से परेशान थे, तो उन चीज़ों से, उन बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। वेल्थ वाइज आप के पास और भी अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आप वेट करना चाहते हैं। जहाँ पर आपने हो सकता है कि किसी प्रॉपर्टी के लिए या किसी फॉरेन जाने के लिए या जहाँ पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था या करने वाले हैं, तो आप उसी को फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं कि कब आपके आपकी वो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, कब आप उसमें कामयाब होंगे, कब घर बनना, घर बसना, ये सब चीज़ें होंगी। तो वेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे चांसेस लग रहे हैं। आप वेट के मूड में रहने वाले हैं, आप ग्रोथ करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप वेट करिए, इंतज़ार कीजिए, जो भी चीज़ें हैं आपके फेवर में होंगी। और जिस चीज़ का भी आपको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, वो शायद हो सकता है कि आप अपना वेल्थ वाइज, अपना पैसे वाइज आप फॉरेन में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, शायद कोई पैसा लगाना चाह रहे हैं या लगा चुके हैं, जिसका आप रिटर्न्स की वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो मिलता आपका, उसमें आप सक्सेस होते नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सही समय, सही वक्त नहीं आया है। तो आप उसका वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, समय आपके फेवर में होगा। और वेल्थ वाइज आप ग्रोथ करते
दिखाई दे रहे हैं, सक्सेसफुल होते दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कामयाब आप होंगे। जो आप रिजल्ट देखने का वेट कर रहे हैं वही रिजल्ट आपके फेवर में होगा, लेकिन अभी वेट की सिचुएशन बनी रहेगी। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये सप्ताह कोई मतलब इतना अच्छा नहीं जाने वाला है, जो तो उनको कोई मतलब कुछ ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि उन्होंने कई फॉर्म सबमिट किए हों, वहाँ पर पैसा लगाया हो, पैसे के बल पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, या फिर कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी आपके साथ दूसरा पर्सन खेल सकता है, या फिर आप उनके साथ कोई हेरा फेरी कर रहे हैं, कोई चालबाजी कर रहे हैं कि पैसे के बलबूते आप उनसे कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा डूब सकता है, बर्बाद हो सकता है, ख़राब हो सकता है। आप अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़िए, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी चीज़ खुल सकती है जो आपको आगे दुविधा में, परेशानी में डाल सकती है, आप पकड़े जा सकते हैं, आप उसमें फंस सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे के बलबूते पर आप काम कर लें तो वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपका पैसा भी डूब सकता है और आप पकड़े भी जा सकते हैं, आप फंस सकते हैं, तो उससे बचने के लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। अपने फॉर्म वगैरह सबमिट कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपने बलबूते पर आगे बढ़िए, कोई हेरा फेरी, कोई चालबाजी दूसरे के साथ मत कीजिए, या फिर कोई आपको फंसा रहा है इस चीज़ में, कोई आपके साथ खेल खेल रहा है कि आप यहाँ पर पैसे दे दीजिए आपका काम बन जाएगा, तो वहाँ आपके पैसे फंस सकते हैं, आप इसमें मत फंसिए और कहीं भी आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्म के बहाने या एडमिशन के बहाने या किसी चीज़ के भी बहाने आपको मतलब तीसरा बंदा आपकी लाइफ में आकर वो इन्वॉल्व हो सकता है और आपका पैसा फंसा सकता है, तो जिसमें आगे जाकर आपको परेशानी, दिक्कत आ सकती है। तो आप किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए या दूसरे को मत खेलिए जी, आपको इसमें सतर्क रहना है, सावधानी रखनी है, और सिर्फ जो जहाँ जिस चीज़ को आप अपने काबिल मानते हैं उसी के साथ आप आगे बढ़िए। जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, शायद आप किसी नए जॉब का वेट कर रहे हैं या फिर किसी प्रमोशन का, या जहां आप काम करते हैं हो सकता है कि प्रमोशन आपकी होनी है और उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। शायद जो भी आप जिस भी जॉब में आप जाना जा रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके फेवर में आएगा, अच्छा आएगा, आपको काफ़ी उसमें प्रोग्रेस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और जो तरक्की होनी है आपकी, प्रमोशन होनी है वो भी ज़रूर होगी, लेकिन अभी रिज़ल्ट रास्ते में है, अभी आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आपको थोड़ा सा शायद आपको लग सकता है कि आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है, आपको कुछ जितना भी आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं उतना ही सब कुछ रुकता जा रहा है, लेकिन अभी आपको और जगह भी आपको सब कुछ तलाशना है, और काम भी आपको करने हैं, सिर्फ आपको अगर उसी का वेट करते रहे इंतज़ार करते रहे, हालांकि रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा, जो आप चाह रहे हैं वैसा होगा, लेकिन अगर आप उसी का लगातार बेसब्री से इंतज़ार करते रहे तो मेंटली, फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं। दूसरे काम भी कीजिए, दूसरी तरफ भी ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसी पर मत फंसे रहिए, अभी आपका समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, कम से कम अभी तो इसका रिज़ल्ट आपको इस सप्ताह तो नहीं मिलने वाला है, रिज़ल्ट आपका अच्छा मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस के लिए, हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, तो बिजनेस वाइज आप काफ़ी स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, काफ़ी खुशियां मिलेंगी, नेम और फेम मिलेगा, अगर आप परिवार के साथ मिलकर कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको आप स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं, और ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, चेयरफुल होंगे, स्टेबल होंगे, फ्रूटफुल ये आपका बिजनेस होगा, कामयाब होगा। और अगर नया बिजनेस चाह रहे हैं, नया शुरू करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आप परिवार का, फैमिली का सपोर्ट जरूर लीजिए, उनके साथ मौज मस्ती कीजिए, इंजॉय कीजिए,
काफ़ी स्टेबल होंगे, काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। और अगर आप किसी से कमिटमेंट वगैरह कर रहे हैं इस बिज़नेस के बारे में, कोई आप वादा करना चाहते हैं कि उनके साथ आप बिज़नेस करेंगे, या उन कोई भी मतलब ऐसा प्रॉमिस या वादा या कमिटमेंट आप देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आगे जाकर आपको सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करने की ज़रूरत है, अपना बिज़नेस शुरू करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद ही आप आगे दूसरे के साथ बिज़नेस कर सकते हैं। काफ़ी स्टेबल आप इसमें होंगे, काफ़ी कामयाबी मिलेगी, काफ़ी तरक्की आप करेंगे, घर बनना और घर बसना भी इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरह की खुशियाँ मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो बिज़नेस वाइज काफ़ी आप तरक्की करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए आए हैं, तो जितना आप एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही आपका जो रिलेशन है वो मजबूत होगा, उसमें उतनी ही कामयाबी मिलेगी। या फिर आपके पार्टनर हैं, दोनों एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, जितना एफर्ट एनर्जी मेहनत करेंगे उतना ही सफलता मिलेगी। जैसे आप उनके अपने पार्टनर के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। या टिट फॉर टैट भी इसमें कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मेहनत के अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलने वाला है। जैसे आप उनका उनके साथ पेश आएंगे वैसे ही आपके पार्टनर होंगे। तो एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, घूमिए फिरिए, और जान पहचान करके ही आप उनसे रिलेशन में आइए, उनके साथ रिश्ता बनाइए। और आपका जो भी जिसके साथ भी रिलेशन बनेगा, जिसके साथ भी आप रिश्ता बनाएंगे, आप उनके साथ आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप खुद काम करने में बिलीव करते हैं, आप दूसरे पर इतना यकीन इतना भरोसा नहीं करते। तो जितना एफर्ट लगाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में कोशिश करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे, उतना ही रिश्ता आपके लिए मजबूत होगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठहराव आएगा, कामयाबी मिलेगी और आप इसमें तरक्की कर पाएंगे। लव रिलेशनशिप, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो इस आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इन दिनों तू-तू मैं-मैं हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। अगर आप उस इस तू-तू मैं-मैं कलह वाद विवाद से बचना चाहते हैं तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अगर एक लड़ाई कर रहा है तो दूसरे को चुप रहने की ज़रूरत है, दूसरे को मौन रहने की, शांत रहने की ज़रूरत है, नहीं तो वाद विवाद झगड़ा काफ़ी इस हद तक बढ़ सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी में हैं, शादी हो चुकी है, तो आप का इसमें मतलब डाइवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है, आपका रिलेशनशिप भी यहाँ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, एक जना चुप नहीं रहेगा, खामोश नहीं रहेगा, या फिर तीसरा पा मतलब कोई इसमें जो ये लड़ाई झगड़ा जो आपके लव रिलेशनशिप में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं, उसमें कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें कोई घर का मेंबर हो सकता है, या कोई पड़ोसी हो सकता है, या कोई दूर का रिश्तेदार, या कोई आपका जो काफ़ी आपके यारा प्यारा यार दोस्त जो भी मतलब आप जिनको आप अपना दोस्त समझते हैं, वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन हो सकता है, वही आपके रिलेशन को बर्बाद कर सकता है। या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जो तीसरा पर्सन है आपकी लव लाइफ को ख़राब करने के लिए एंट्री कर सकता है। तो आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी संभल कर चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बर्बाद हो सकते हैं। आपका वाद विवाद झगड़ा इस हफ्ते बढ़ सकता है और लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, आप फिजिकली और मेंटली भी परेशानी में आ सकते हैं, सख्ते में आ सकते हैं। गाइडेंस, जो चीज़ें, जो रिश्ते, जो रिलेशनशिप, जो पैसा, मनी जो आपके लिए बना ही नहीं है, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन ओवर थिंकिंग को, ओवर कंट्रोल को समय के साथ फलों के साथ बहने दीजिए, उस पैसे को, उन चीज़ों को, उन लोगों को जो आपके लिए बने ही नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों से मत चिपके रहिए। अगर उन रिश्तों से, उन बातों से, उन लोगों से चिपके रहेंगे जो आपके लिए नहीं काम कर रहे, तो आपको बार बार बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी, आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए ओवर कंट्रोल को छोड़ना पड़ेगा, समय के साथ फलों के साथ चीज़ों को बहने दीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस के समय के साथ फ्लो के साथ चलिए, चीज़ों को चिपका कर मत रखिए, और उन जो नेगेटिविटी है उसको भी अपने से रिलीज़ कर दीजिए। अगर पैसे को या चीज़ों को या भावनाओं को या बातों को या किसी भी
अगर किसी के साथ आपकी कोई ऐसी बात हुई है जो आपको दुख तकलीफ दे रही है, उनको अगर आप अपने से चिपका कर रखेंगे, उनको माइंड करेंगे, तो ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आपको परेशानी, बाधाएं, दिक्कत आती रहेंगी। समय के साथ, फ्लो के साथ, जो जैसी सिचुएशन चल रही है, जैसा समय चल रहा है, जैसा वक्त चल रहा है, उसके साथ फ्लो में बहिए और बहने दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।